पैसे दो मेरे कल वाले। बहुत तेज हो रहे हो, हैं बहुत तेज। आइस यू ऑल नो बर्गर फ्राइज एंड आइस क्रशर। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा रही हूँ गिफ्ट एंड अभी करते हैं इसको ओपन से। Let's go. Guys, welcome to another video. कैसे आप सब लोग, आप सब ठीक होंगे। तो आज है ईद का नेक्स्ट डे एंड आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जम्मू में। पिछले दिनों में तो बहुत गर्मी थी, 42 टेम्परेचर चला गया था, बट आज और कल ईद के दिन मौसम बहुत अच्छा रहा। और भी बाहर चक्कर मार लेते हैं क्योंकि मैंने फास्ट फूड थोड़े दिन के लिए बंद किया था, पता नहीं अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि रहा तो नहीं जाता। तो गाइस अभी चलती हूँ बाहर, उसके बाद मिलती हूँ आपको बाहर जाके। पहले नीचे चलते हैं ना, देखते हैं मम्मा क्या कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ी गपशप मार लेते हैं। ये जो हमारे ऊपर वाले किराएदार हैं उनके सोफे सड़ गए हैं। क्यों अच्छे हैं मम्मा? मम्मा पोछा मार रहे हैं। पैसे दो मेरे कल वाले दो ना। अभी गाइस मम्मा देखने लगे अपना सीरियल YouTube पे लग गए हैं। उनको पाकिस्तानी सीरियल इतने पसंद है कि मैं एक साइड में खाना मांग रही हूँ नहीं देंगे, सीरियल का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। बस वो वही देख रहे हैं तो मैं बैठी हूँ बाहर बेड पे एंड तैयार क्या ही होना, ऐसे ही चलते हैं बाहर देखते हैं। और मौसम तो बड़ा कैंड है तो गिड़ी मार के आते हैं। तो गाइस मैं बाहर घूमने जा ही रही थी लेकिन मम्मा ने काम दिखा दिया कि मुझे जानीपुर बैंक में जाना है, जो कि मम्मा का मेन बैंक वहीं पर है, मतलब कि अकाउंट वहीं पर है जानीपुर रुकी वाली ब्रांच में। एंड अभी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से जानीपुर, पहले यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। हम जैसे गरीबों के लिए गाड़ी नहीं है, गाड़ी है लगी हुई पापा की बट वो ऑफिस की गाड़ी है, उनको हम ऐसे बाहर नहीं ले जा सकते ज़्यादा। और अभी मुझे ऑटो लेना पड़ेगा एंड देन ऑटो के बाद फिर एक गाड़ी लेनी पड़ेगी जो परेड से मिलेगी सीधा जानीपुर की, मतलब दो गाड़ियाँ चेंज करके। तो उसके बाद जैसे मैं पहुँचूँगी बैंक में फिर मैं काम करके फिर आके आप सबसे बात करती हूँ। बाकी मैंने कपड़े वही घर वाले पहने, ट्राउज़र और टी शर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक में ज़्यादा सज सवज कर सवर के जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कहती हूँ बैंक में कैजुअल वेयर में जाना चाहिए, जो जॉब करते हैं वो नहीं वो तो अपने ड्रेस अप में जाए। तो ओके गाइस फिर मिलते हैं, ऐसी है मेरी ज़िंदगी, कभी कब कभी काम दिखा दे घर वाले कोई पता नहीं चलता। तो ऐसे गाइस मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए चलते हैं बैंक। गाइस मैं हूँ यहाँ पर चाय सूटा बार, आई बैंक से आ गई थी वापस एंड ये खा रही हूँ मैं मेरा फेवरेट कॉम्बो आइस यू ऑल नो बर्गर फ्राइज एंड आइस क्रशर एंड उसके बाद खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ खा पी के रेस्टोरेंट से वापस। मैं गई थी चाय सूटा बार एंड आइस यू ऑल नो मैंने क्या क्या खाया वो सब मैंने आपको बताया एंड अभी मैं जा रही हूँ वापस घर। तो बहुत ही टेस्टी बर्गर था सीरियसली और फ्राइज़ भी बहुत टेस्टी थे, आई क्रशर भी हमेशा खाती हूँ यार, बहुत अच्छे होते हैं इसीलिए वहीं से खाती हूँ हमेशा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया अंदर जाती हूँ, मम्मा को बताती हूँ कि जो बैंक में मैं काम करने गई थी, पापा की चेकबुक लेने गई थी वो चेकबुक अभी नहीं दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि पापा से सिग्नेचर और करा के लो। बैंक की ना ये बात बहुत बुरी लगती है, वो बहुत सिक्योरिटी मतलब
अच्छी भी। अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी ज्यादा वो भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मुझे सिग्नेचर कराने पड़ेंगे पापा से। सिग्नेचर कराने के बाद फिर जाना पड़ेगा बैंक में। अब कल जाऊंगी, देखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको अंदर जाके मिलती हूँ। गाइस गाइस गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मुझे ईद का गिफ्ट मिला था और अब तक मैंने खोला नहीं है, तो मैं अभी वो लाई हूँ गिफ्ट। एंड अभी करते हैं इसको ओपन। मुझे पता नहीं इसमें क्या है, तो चलिए आपके सामने ओपन करते हैं। पता नहीं क्या दिया होगा जिसने भी दिया है यार। मतलब मैं गेस कर सकती हूँ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी आई थिंक, क्योंकि जिसने भी गिफ्ट किया उन सबको पता है कि मुझे बहुत पसंद है आई सी चीज़ें। देखते क्या है इसमें। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो गई। सारा सामान भी है। तो गाइस वॉच, ये है आई वॉच। गाइस ये वॉच है, वॉच है, ये है वॉच गाइस। वाओ सो स्वीट। गाइस ये वॉच मेरी फेवरेट थी। थैंक यू सो मच जिसने भी दिया है। ये सीरीज 6 है आई एप्पल की, लेकिन फर्स्ट कॉपी है ये। वाओ यार थैंक यू सो मच। इसको दिखा देते हैं। दूसरी साइड के पेंट वाली का लगाते हैं इसको हम। सीरियसली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, क्या होगा इसमें क्या होगा। देखो मेरा गेस सही निकला, मुझे पता था कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ही। अभी हम चलते हैं नीचे अपने रूम में। मैं तो बहुत खुश हूँ। वॉच का चार्जर है ये, मैं चार्जर वगैरह वापस कर लेती हूँ। इंशाल्लाह हम ओरिजिनल भी ले लेंगे। इसमें कुछ लिखा है इसके बारे में, काम करते हैं, प्लान कर लेते बाइक को खोल। एंड चलते हैं नीचे, दीदी को दिखाते हैं वॉच। दीदी का फेस तो नहीं दिखा सकती क्योंकि उन्होंने सख्त मना रखा है कि मेरा फेस मत दिखाना। वो इस्लामिक टाइप है फुल, एंड वो बिल्कुल अपना फेस रिवील नहीं करते। जूते का तो गाना टेढ़ा हो गया। ट्राउजर गंदा हो गया। बहुत खुश हुए। वैसे मेरे को हमेशा वैसे तो, और ये जहाँ सोती हूँ मैं कभी भी शीट नहीं डालती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। दी तो नहीं है रूम में, दी अंदर है। एंड अंदर मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि वहाँ पे मेरे भाई भी है। तो ओके गाइस, ये व्लॉग यहीं तक था मेरा, यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं नेक्स्ट मिलती हूँ किसी अमेजिंग व्लॉग के साथ। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। और पानी पियो गाइस, बहुत ज़्यादा पानी पियो ताकि आपका फेस ग्लो हो। तो गाइस अब तक मैं इस वॉच को भी कनेक्ट करती हूँ फ़ोन के साथ, एंड देन फिर इसकी लुक सही लगेगी क्योंकि
यहाँ से मैं कॉल भी कर सकती हूँ. वाओ, सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच फिर से. थैंक यू. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़.